आएगा सही होगा। अलसौदा के पास सड़क हादसे में दो लोग हुए घायल। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने पहुंचाया इकोना अस्पताल। डॉक्टरों ने किया जिला अस्पताल बहराइच रेफर। सावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र इकोना इलाके के परसौदा के पास सड़क हादसे में दो लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची 108 ने दोनों को इकोना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की हालत गंभीर बताते हुए बाबूलाल और शिवा यादव को जिला अस्पताल बहराइच रेफर कर दिया। ऐसे में एम्बुलेंस उन्हें लेकर बहराइच जिला अस्पताल के लिए रवाना हुई। सावस्ती जनपद के इकोना इलाके के परसौदा के पास का मामला। जंगरावलगढ़ी पुलिया के पास से दो नफर अभियुक्तों को इकोना पुलिस ने किया गिरफ्तार। श्रावस्ती जनपद के इकोना इलाके के जंगरावलगढ़ी पुलिया के पास से चुन्नू पुत्र धरखन निवासी पश्चिमी केवटनपुरवा व बल्ले पुत्र गजाधर निवासी पश्चिम केवटनपुरवा को इकोना पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों नफर अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी, तभी मुखबिर की सूचना पर उन दोनों को जंगरावलगढ़ी के पास की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। जनपद इकोना इलाके के जंगरावलगढ़ी पुलिया के पास से दोनों को गिरफ्तार किया गया। मिस्त्रीपुरवा निवासी युवक ने मारपीट व पैसे छीनने का आरोप लगाते हुए इकोना पुलिस को दी तहरीर। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। सावस्ती जनपद के इकोना इलाके के मिस्त्रीपुरवा के पास का मामला, जहां पर मिस्त्रीपुरवा निवासी युवक ने इकोना थाने पर पहुंचकर मारपीट का आरोप विपक्षियों पर लगाया, साथ ही पैसे भी छीन लेने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी। काली राम चौहान, घर कहाँ है? मिस्त्रीपुरवा चिचड़ी मौजा। चोट कैसे लगी? चोट हमें मारिन पवन भोरे का लड़का लोधी हुए। और कहाँ पर मारपीट, कहाँ भा है? मारपीट पर सौरभ तरफ काटा चिली बाईपास, जहाँ चिची चौराहा है। हाँ, वहाँ पर वीडियो कैमरा भी लगा, उसमें रिकॉर्ड चलते। काहे खाते मारिन? मारिन इसलिए कि हम चौधरी के रुपए बाकी रहे 4,000, तो 4,000 उनको दे दिया मैंने। अब वही 4,000 दे दिए तो वह 3-4 आदमी मुड़ गए। अब वह कहें कि हमारे रुपए दो 2.5 लाख। तो कहाँ जाते हो? घरे जातरन घरे। हम कैसे रहे हो? पैदल। 2.5 लाख रुपए में कहें हमें, तो हम 2.5 लाख रुपए, मेरे गरीब आदमी, मेरे पास घर क्या था ही नहीं, मेरे पास रहने ठिकाना पूरा है ही नहीं, तो मैं 2.5 लाख रुपए में कहाँ लाऊंगा ब्याज पे? हमने कह दिया कि लिया हो अगर तो हम तो कौन ले दे दी, और 4,000 ले तो 4,000 दूंगी दे दिए। उनके कहे के आधार से ना कई जने मिलकर मारे नहीं बताओ? 3 जने। कुछ आओ तो अच्छे निपो की नहीं है? हमारे 20,000 रुपए रखे रहे। 20,000 रुपए रखे रहे हो? आप कर्जा लेके आए? कहाँ से लाए? हम लाए नहीं, चन्याकोट से ना। पुलिस क्षेत्राधिकारी व थाना अध्यक्ष की मौजूदगी में इकोना में अदा हुई जुमा की नमाज। सावस्ती जनपद के इकोना कस्बे का मामला, जहां पर 5 पीरान मस्जिद पर पुलिस क्षेत्राधिकारी एमपी शर्मा व थाना अध्यक्ष संतोष तिवारी तथा अन्य पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में जुमा की नमाज अदा हुई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीओ की अध्यक्षता में भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद है, जिनकी मौजूदगी के बीच जुमा की नमाज अदा की गई। सावस्ती जनपद के इकोना कस्बे का मामला। पंजाब से गुवाहाटी जा रहा अंडे से लोड ट्रक सोनरई मोड़ के पास पलटा, टला बड़ा हादसा। सावसी जनपद के इकोना इलाके के सोनरई मोड़ के पास का एक मामला, जहां पर सुबह सवेरे एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर खाई में पलट गया। ट्रक में अंडे सवार थे जो गुवाहाटी जा रहे थे। ऐसे में पूरा लोड सामान खाई में बिखर गया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल और कार्रवाई में जुटी। इकोना इलाके के सोनरी मोड़ के पास का यह पूरा मामला है, जहां पर एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब एक ट्रक अनियंत्रित होकर जो अंडे से लोड था खाई में पलट गया। ऐसे में
सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। इकौना इलाके के सोनरी मोड़ के पास की ये तस्वीरें हैं, जहां पर अनियंत्रित होने से ट्रक खाई में चला गया और पेड़ से टकरा कर खाई में ही पलट गया। इकौना इलाके के सीता द्वार के पास सड़क पर खराब खड़ी ट्राली से टकरा कर ट्रक पलटा। काफी देर तक आवागमन रहा बाधित। सावस्ती जनपद के इकौना इलाके के सीता द्वार के पास का मामला, जहां पर कल एक ट्रैक्टर ट्राली खराब हो गई थी, जिसके बाद ट्राली को बीच सड़क पर ही छोड़ दिया गया था, जिसके चलते एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया। ट्राली से टकरा कर प्लाई से लोड ट्रक अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर ही पलट गया। गनीमत यह रही कि घटना रात के वक्त हुई, जिससे यहां पर एक बड़ा हादसा टल गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी देर तक ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत की कि किसी प्रकार से आसपास बिखरे प्लाई को हटाया जाए, जिससे आवागमन सामान्य हो जाए, परंतु सफलता नहीं मिल पाई। इकौना इलाके के सीता द्वार के पास का यह पूरा मामला है, जहां पर ट्रक अचानक पलट गया। इकौना इलाके के नेशनल हाईवे 730 पर सौदा के पास पहुंचकर जेसीबी ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाया, आवागमन हुआ सामान्य। सावस्ती जनपद के इकौना इलाके के परसौदा के पास का मामला, जहां पर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के चलते सड़क पर आवागमन बाधित हो गया था, जिस पर जेसीबी ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त ट्रक व पहले से ही खराब ट्रैक्टर की ट्राली को घटना स्थल से हटाया, जिससे आवागमन सामान्य हो सका। सावस्ती जनपद के इकौना इलाके के नेशनल हाईवे 730 के परसौदा के पास की ये तस्वीरें हैं, जहां पर जेसीबी ने घंटों मशक्कत की, जिसके बाद वाहनों को हटाया गया और आवागमन सामान्य हो सका। आपको बता दें, यहां पर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के चलते जाम की स्थिति बनी हुई थी, आवागमन पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था। ऐसे में जेसीबी ने पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाया, जिससे सामान्य दिनों की तरह आवागमन सामान्य हो सके, लोगों को जो मुसीबत हो रही थी उससे छुटकारा मिल सके। इकौना इलाके के परसौदा के पास की तस्वीरें। वहीं इकौना पुलिस ने शांत भंग के आरोप में कार्रवाई करते हुए महिलाओं समेत 15 लोगों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को न्यायालय में किया पेश। सावस्ती जनपद के इकौना इलाके का मामला, जहां पर इकौना पुलिस ने शांत भंग के आरोप में 15 लोगों पर कार्रवाई करते हुए 15 लोगों को गिरफ्तार करते हुए उन्हें न्यायालय में पेश किया। सावस्ती जनपद के इकौना जहां पर पुलिस ने शांत भंग के आरोप में कार्रवाई की और 15 लोगों को गिरफ्तार किया।